प्लेइंग 11 में केएल राहुल की जगह को लेकर लगातार बवाल मच रहा है। केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस भी वैसी नहीं है जिसकी बदौलत ये कहा जा सके कि आप इनको टीम से बाहर निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जो खिलाड़ी उनको कॉम्पीट कर रहा है सरफराज खान, आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप इनको बाहर कैसे बैठा रहे हैं। लेकिन अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए कह दिया है साफ तौर पर कि मेरी प्लेइंग 11 सोशल मीडिया पर बैठे लोग या सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट तय नहीं करेंगे। जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है वो टीम मैनेजमेंट और कप्तान और कोच और पूरी टीम का एक फैसला होगा, न कि सोशल मीडिया पर बैठे लोग या एक्सपर्ट। सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पर जिसके भी कुछ बयान है, सोशल मीडिया पर जिसकी भी जो सोच है, गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहेगी, वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक नहीं जाने वाली है। केएल राहुल की जगह को लेकर सवाल किया गया कि क्या केएल राहुल को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जगह मिलेगी। गौतम गंभीर ने इस पर साफ तौर पर जवाब देते हुए तीखे शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया हमारी प्लेइंग 11 तय नहीं करती है, प्लेइंग 11 तय करने का काम टीम मैनेजमेंट का है और टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को बैक करेगी। केएल राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में अच्छी पारी खेली थी, तेज तर्रार पारी खेली थी, उन्होंने टीम का साथ दिया था। 68 रनों की पारी केएल राहुल ने कानपुर टेस्ट मैच में खेली थी, हम आपको बता दें। इसके बाद गंभीर ने कहा कि केएल प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, हम उनको लगातार बैक करते रहेंगे, उनके अंदर वो पोटेंशियल है। केएल राहुल की जगह को लेकर कोच गौतम गंभीर ने स्थिति साफ कर दी है और साफ तौर पर कह दिया कि केएल राहुल को लगातार बैकिंग मिलने वाली है, यानी सरफराज खान को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। केएल राहुल को लेकर तब बातें और बनने लगी जब पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया चिन्नास्वामी में हार गई। उस केएल राहुल ने जब अपने होम पिच को यानी बेंगलुरु से आते हैं बेंगलुरु के पिच को उन्होंने प्रणाम किया तो अफवाहें सोशल मीडिया पर अलग उड़ने लगी कि क्या केएल राहुल अब टेस्ट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर बातों का चलना लगातार होता है, बातें सोशल मीडिया पर रुकती नहीं है। और अब गौतम गंभीर ने साफ और तीखे शब्दों में कह दिया है कि सोशल मीडिया टीम इंडिया के बीच नहीं आने वाली है। और अब गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उसका कोई असर टीम इंडिया पर नहीं होने वाला है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि केएल राहुल को लगातार टीम मैनेजमेंट बैक करने वाली है, यानी दूसरे टेस्ट में आप केएल राहुल को दोबारा से टीम की प्लेइंग 11 में देखने वाले हैं, यानी सरफराज खान को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा अपनी जगह को पक्का करने के लिए, या फिर अपनी जगह वो तभी प्लेइंग 11 में बना पाएंगे जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है। खैर, गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।